हेलो गाइस, मेरा नाम है, मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर। तो गाइस, ये एसर का लैपटॉप है और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। और इसमें स्लो चलने के कारण क्या होता है वो मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो के लिए आज तक बने रहें। और आप लोगों की सपोर्ट से मैं इससे मेरे फॉलोअर 100 हो चुके हैं और मैंने अभी अभी चैनल बनाया है। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो डेली अपडेट करता रहता हूँ और कभी कभी एक दिन छूट जाता है। मैं आपके लिए आपके बीच बना रहा हूँ और मैं पर डे वीडियो डालता रहता हूँ। और वीडियो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में डालें और मैं उसका सॉल्यूशन आपके वीडियो बनाकर दे दूँगा। और नहीं तो आपके लिए मैं व्हाट्सएप पर वीडियो बना के डाल दूँगा। स्लो चलते हैं लैपटॉप तो उसमें SSD डाल के उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क होती हैं उनमें जो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो मैं इसमें SSD डाल के आप लोगों के लिए दिखाऊंगा उसमें SSD से कितना स्पीड बढ़ जाएगी। और जो स्पीड जो बढ़ जाती है वो बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। मैं इस वीडियो के अंत तक दिखाऊंगा। और आपका कोई भी लैपटॉप है तो उसमें आप इस SSD डलवा लें। और जो किसी कंपनी का है तो आप उसमें SSD डलाएं और फिर देखना कितनी स्पीड बढ़ी या नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें स्पीड बढ़ जाती है जब उसमें हम हार्ड डिस्क निकाल देते हैं और हम SSD डाल देते हैं, तो इसमें स्पीड एकदम पानी की तरह चलेगा। जैसे न्यू लैपटॉप आते हैं उसी हिसाब से ये भी काम करने लगेगा। और मैंने इस लैपटॉप के लिए खोल लिया और इसमें जो हार्ड डिस्क है मैं इसे रिमूव करके दिखाता हूँ। और मैं इसमें हार्ड डिस्क की जगह SSD लगाऊंगा और SSD डालने के बाद आपको इसकी स्पीड का इसमें स्पीड जो होगी इसकी 6 GB/s की स्पीड है इसे हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क की गारंटी 1 साल होती है और इसकी जो वारंटी होती है इसकी 3 साल 5 साल इस तरीके से आती है। आप किसी भी कंपनी की डलाएं SSD चलती अच्छी है। और इस लैपटॉप की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और चलने में जो आनंद आता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती है। और लैपटॉप चलाते पे भी मस्त लगता है। मैं आप लोगों को ये सलाह यही दूंगा क्योंकि वो आपका जो लैपटॉप है वो हार्ड डिस्क से स्लो चलता है, तो आप SSD डलाएं। अब मैं इस लैपटॉप के लिए जैसा था वैसे ही लगा दे रहा हूँ। जो चीज़ वहाँ जहाँ थी तो वैसे ही लगा दे रहा हूँ। और इसमें अब मैं आपके लिए स्पीड दिखाऊंगा इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड होगी। और पहले इसमें ओपन होने में समय ज़्यादा लगता होगा टाइम, अब इसमें जरा सी देर में ओपन हो जाएगा। Okay.
इसकी ये खुट्टी उखड़ी थी तो इसे बनाया है मैंने। मैं इसमें पेच कस दे रहे हैं, जो पेच यहाँ के लगा दे रहे हैं। पेच से सारे लगा देना है, जैसा पेच लगा वैसे ही लगा देना। मैंने इसके सारे पेच जितने पेच थे उसके मैंने इसके मैंने सारे पेच कस लिए हैं, और मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा। और जो स्पीड है ये जरा सी देर में ओपन हो जाएगा, ये 10-5 सेकंड लगेंगे इसे ऑन होने में, और उसे कम से कम 1 मिनट लग जाता है ऑन होने में। इसके 10-15 सेकंड लगते हैं और ये ओपन हो गया। इतनी स्पीड बढ़ जाती है ऐसे ही चलाने के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड। और इसमें विंडो 11 डाल दिए मैंने। और आपका कोई भी लैपटॉप है और अगर स्लो ज़्यादा चल रहा है तो आप, मैं यही राह दूंगा आपके लिए, क्यों उसमें SSD डला के देख सकते हैं, नहीं आपका स्पीड दे रहा है तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। और मैं आपके लिए पानी की तरह नहीं रख के आपका ये लैपटॉप तो मुझसे 2 रुपए ले सकते हैं। और मैं इस आप और ये लैपटॉप मैं SSD पढ़ने के बाद ये बहुत ही स्पीड देने लगेगा। सो गाइस, मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। और थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।